हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फोर क्लास फर्स्ट. दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ सिक्स चैप्टर ऑफ इंग्लिश फर्स्ट. ओके, योर चैप्टर नेम द अगली डकलिंग, पेज नंबर 54. मदर डक लुक्ड एट हर थ्री एग्स. मदर डक ने क्या देख लुक मतलब मदर डक क्या देख रही थी, अपने थ्री एग्स जो उनके तीन एग्स थे उनको देख रही थी. वन एग मूव्ड, पहले एग ने क्या किया, मूव किया. देन देयर वाज ए साउंड क्रैक, और फिर उसमें से क्या आवाज आई, कैसा साउंड आया, क्रैक मतलब उसको फूटने का, मतलब जैसे अंडा हम लोग तोड़ते हैं ना वैसे उसमें से आवाज आई. आउट पॉप्ड ए टिनी प्लफी येलो डकलिंग, और उसमें से झटपट से क्या बाहर निकला, एक टिनी छोटी सी प्लफी मतलब रोएदार येलो कलर की डकलिंग उसके अंदर से बाहर निकली. ओके, माई फर्स्ट डकलिंग. मदर डक क्लैप्ड हर विंग्स. मेरा पहला बच्चा मतलब मेरी पहली डक मदर डक थी, उसने क्या किया, अपने जो फंग थे उनसे क्लैप्ड किया मतलब उनको फड़फड़ा के उस बच्ची का स्वागत किया. ओके, एनोदर एग मूव्ड, और फिर क्या है, दूसरे एग ने क्या किया, मूव किया. देन देयर वाज ए साउंड क्रैक, और उसमें भी क्या उनसे साउंड आया, क्रैक जैसे अंडा टूटता है वैसे साउंड हुआ. आउट पॉप्ड ए टिनी प्लफी येलो डकलिंग, और उसके अंदर से क्या झटपट से क्या निकला, एक छोटी सी प्लफी मीन्स रोएदार येलो कलर की डकलिंग बाहर आई. पहले एग में भी क्या हुआ कि एग ने मूव किया और फिर उसमें से एक आवाज़ आई, साउंड हुआ क्रैक का और उसमें से एक डकलिंग निकली, और सेकंड में एग में भी यही हुआ था. ओके, माई सेकंड डकलिंग. मेरा दूसरा डकलिंग. मदर डक क्लैप्ड हर विंग्स. तो मदर डक ने क्या किया, जैसे पहले डक ने किया था ना, जब उनका बच्चा बाहर आया था एग से, तो अपने पंख को क्या किया, अपने पंख को फड़फड़ाया और खुशी मनाई कि मेरा मतलब दूसरा बच्चा भी बाहर आ गया. ओके, द लास्ट एग हैज़ नॉट क्रैक. अब जो लास्ट वाला एग था वो क्रैक नहीं हुआ. वट क्यों, वाई इज इट सो बिग एंड ग्रे, कि तो वो उसकी मदर ने सोचा ये इतना बड़ा क्यों है और इसका कलर कैसा है, ग्रे. तो वो ये सोचने लगी कि ये अभी क्रैक भी नहीं हुआ और ये बड़ा भी और इसका कलर कैसे ग्रे. ओके, योर लेक्चर इज कम्प्लीटेड, और आपको होमवर्क में क्या करना है, इसकी रीडिंग करनी है. ओके, थैंक यू क्लास.